बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाइड्रोजन सल्फेट चैप्टर 4 का टॉपिक है केमिस्ट्री सेकेंड ईयर। इसकी प्रिपरेशन के मेथड्स देखेंगे। फ्रॉम सल्फ़र एंड हाइड्रोजन, तो सल्फ़र ऐसे जार करते हैं हाइड्रोजन H2। जब ये 650 डिग्री सेंटीग्रेड पर आपस में रिएक्शन करेंगे तो हाइड्रोजन सल्फेट बनेगा। सेकेंड प्रिपरेशन है फ्रॉम स्टीबिनाइट। स्टीबिनाइट का फॉर्मूला है Sb2S3। इसको कहते हैं एंटीमनी ट्राई सल्फाइड। Sb एंटीमनी होता है, ट्राई 3 को कहते हैं, सल्फाइड S है। कंसंट्रेटेड HCl के साथ जब रिएक्शन करता है तो ये जो है SbCl के साथ चला जाएगा। SbCl3 बनेगा। इसकी वैलेंसी 3 होती है, Cl की 1 होती है, तो यहाँ नहीं लिखेंगे, सिर्फ 3 आ जाएगा यहाँ। और HS के साथ रिएक्शन करेगा तो H2S। एंटीमनी यहाँ पे 2 थे, यहाँ पे 1 है, तो 2 डाल दिया, जिसकी वजह से ये 6 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमने 6 डाला ताकि ये भी बैलेंस हो जाए। तो 6H और 6Cl, यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है तो यहाँ पे 3 डाल देंगे, इससे हाइड्रोजन 6 हो जाएंगे और सल्फ़र जो ये 3 हो जाएंगे, तो रिएक्शन बैलेंस हो जाएगा। फ्रॉम जिंक सल्फेट एंड हाइड्रोजन क्लोराइड या हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो Zn यहाँ पे HCl आएगा। जब ये रिएक्शन करते हैं तो Zn पॉजिटिव है, Cl नेगेटिव है, तो ZnCl, Z की वैलेंसी 2 है, तो Cl के कदमों में आएगी। और हाइड्रोजन सल्फेट हाइड्रोजन और S के रिएक्शन से होगा। सल्फर 6 ग्रुप में, इसकी वैलेंसी 2 होती है, तो H के नीचे 2 आ जाएगा। तो ये बेसिक रूल आप लोगों ने पढ़ा होगा। लेबोरेटरी मेथड में याद रखिए, ये MCQs में पूछ लेते हैं कि कौन सा एपरेटस यूज़ होते हैं, तो किस एपरेटस यूज़ होते हैं हाइड्रोजन सल्फेट के बनाने में। तो इसमें क्या होता है, या तो HClFeS के साथ, फेरिक सल्फाइड के साथ, या सल्फ्यूरिक एसिड फेरिक सल्फेट के साथ रिएक्शन करके फेरिक सल्फेट और इसमें फेरिक क्लोराइड और H2S बनेगा। तो ये लेबोरेटरी मेथड है और ये बाकी मेथड है H2S बनाने का। याद रखिए H2S पॉइजनस गैस है, टॉक्सिक गैस है। ठीक है, अगर इसको प्रोलॉन्ग इनहेलेशन हो करोगे तो थोड़ी सी क्वांटिटी सीरियस पॉइजनिंग बनाएगी, टॉक्सिक है ये, जिसकी वजह से डेथ भी हो सकती है।